नवाब मलिक इनकी गिरफ्तारी के निषेधार्थ अहेरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना आंदोलन किया गया। राज्य मंत्री मंडल के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, इन्हें सुबह 5 बजे के दौरान केंद्रीय संस्था ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के निषेधार्थ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अहेरी में केंद्र सरकार और ईडी के विरोध में धरना आंदोलन किया गया। इस धरना आंदोलन का नेतृत्व जिला परिषद सदस्य तथा राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शाहीन हकीम, राष्ट्रवादी अहेरी तालुका अध्यक्ष श्रीनिवास वीर गोनवार, नगर सेवक अमोल मुक्कावार, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस तालुका अध्यक्ष सारिका गढ़पल्लीवार ने किया। केंद्र सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार के विकास कामों को रोक लगाने के लिए झूठे आरोप कर और अपनी सत्ता का गैर इस्तेमाल कर ईडी का इस्तेमाल कर नवाब मलिक इन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन हम और राष्ट्रवादी पक्ष नवाब मलिक इनके साथ खड़े हैं और रहेंगे। दिल्ली की तख्त के आगे महाराष्ट्र कभी नहीं झुका और न ही झुकेगा, ऐसा आंदोलनकारियों ने कहा। नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस इनका जाहिर निषेध करते हैं, ऐसा कहते आंदोलकों ने नारेबाजी की। इस आंदोलन में आलापल्ली ग्राम पंचायत के सदस्य स्वप्निल श्रीरामवार, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस अहेरी तालुका अध्यक्ष सारिका गढ़पल्लीवार, ज्येष्ठ कार्यकर्ता बुधाजी श्रीराम, लक्ष्मण एरावार, कैलाश कोरेत आदि उपस्थित थे। जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें अहेरी के तहसीलदार की ओर से निवेदन दिया गया। इस समय सभी आंदोलनकर्ता उपस्थित थे। सिटी केबल समाचार चंद्रपुर के लिए चामोर्शी से प्रतिनिधि भास्कर फरकड़े की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है, जो आरोप लगाया है वो 92 का केस है। 92 के केस की कार्रवाई, उसके ऊपर इंक्वायरी ईडी ने, सीबीआई ने और ऐसी माननीय कंपनियों ने किया है जिसको पूरा देश मानता है। उस देश को मानने वाली कंपनी में इतने 20 साल 30 साल 25 साल में कभी भी नवाब मलिक साहब का नाम वो केसेस में कभी आया नहीं। और अभी पिछले दिनों में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और वानखेड़े के केस में नवाब मलिक साहब ने सीधी सीधी बात की, गुजरात के कोयला घोटाले को बाहर निकाला, देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम के काले धंधे सारे बाहर निकाले, मीडिया के सामने लाए, इन सबको देखते हुए नवाब मलिक साहब के ऊपर ये केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जबरदस्ती की कार्रवाई की है। उनके तरफ कोई समन नहीं जाते हुए, उनको कोई पहले से आगाह नहीं करते हुए सवेरे 5 बजे जाके उनको अरेस्ट करना, सीबीआई के पुलिस वालों को लेके जाना, किसी को नहीं पता चलते हुए ये कार्रवाई करना केंद्र सरकार का अस्पष्ट कार्य है। माननीय अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक साहब यांच्यावर जी कार्रवाई झालेली आहे, हे काही नाही, फक्त हे राष्ट्र आपल्या आघाडी सरकारचं जे काम चांगल्या रीतीने चालू आहे याला फक्त डिस्टर्ब करण्याचा त्यांनी बीजेपी सरकारने निर्णय घेतलेला आहे। कसं हे सरकारला पाळायचं आणि कसं कोणावर कारवाई करायचं त्यांच्याकडे फक्त ईडी एक पर्याय आहे आणि त्याच्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही। फक्त ज्यांनी काही 2 शब्द म्हटले सरकारच्या केंद्र सरकारच्या विरुद्ध त्यांना फक्त ईडीची चौकशी लावून द्यायची आणि सगळ्यांकडे ईडीची चौकशी लावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा बीजेपी सरकार प्रयत्न करत आहे, कारण त्यांच्याकडे दुसरा काही पर्याय नाही।